आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी एहलिया दानिया मलिक को शोहर की वफात के बाद इस हवाले से तनकीद का सामना था कि वो बेवा होने के बाद इद्दत क्यों नहीं कर रही। तहम शदीद तनकीद के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने इद्दत शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक एक सारिफ की जानिब से दानिया मलिक से इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इद्दत से मुतालिक सवाल किया गया। सारिफ ने लिखा कि जिस इस्लाम ने हक मेहर का हुक्म दिया है, इसी इस्लाम ने इद्दत का भी हुक्म दिया है। अगर आप आमिर लियाकत से वफादार थी तो आपको इद्दत में होना चाहिए था। यूं मुंह खोलकर ना महरमों को इंटरव्यू नहीं दिए जाते मोहतरमा। इसके जवाब में दानिया ने इस मैसेज का स्क्रीनशॉट स्टोरी पर शेयर किया और साथ ही ये वाजे किया कि उन्होंने इद्दत शुरू कर दी है। दानिया ने लिखा कि मैं आज से इद्दत में हूँ, जबकि इससे कबल सोशल मीडिया पर बात करते ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तो सुलह हो रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आमिर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। एक सारिफ की तनकीद पर दानिया ने जवाबन ये भी कहा कि मुझ पर जितनी तनकीद करनी है कर लो, आमिर भी सुनकर रोते थे, मैं भी रो लूँगी, अल्लाह देखने वाला है, सब देख रहा है।